live my life, and the cop is here to give me strike. Hi guys, namaskar, sasrikal adab, welcome to the channel, to all the wonderful, sophisticated and bombastic people who's watching me right now, matlab what is kya keh rahe ho ladke. To title aur thumbnail dekhe to thoda samajh hi gaye hoge. Yes, this is हमारा वाला रिवाइंड 2021, मतलब आपके भाई ने क्या क्या किया इस साल में वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और क्या अप एंड डाउन सा है, क्या आया क्या गया, सब देखने को मिलेगा. तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा रिवाइंड 2021. और आप कहने वाले हो क्या कह रहे हो लड़के. सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, नए साल की जो शुरुआत होती है हमेशा बढ़िया ही होती है, आपकी भी होती होगी, और मैं करूँगा, प्रे करूँगा कि आप 2022 आपके लिए बहुत अच्छा है. तो 2021 की अगर हम बात करें तो आपके भाई ने एक नया हेलमेट लिया था, बिलमोला का. बेसिकली साउथ में ज़्यादा पहना जाता है, बहुत ही अच्छा हेलमेट था, डिज़ाइन बहुत अच्छा था. पुलिसिया एडिशन, ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो, मतलब एक नंबर यार, एक नंबर फिटिंग, ऑसम. तो आई लव्ड इट, आई लाइक इट. और अगर हम बात करें ओवरऑल 2021 की, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मैं इस साल अचीव नहीं कर पाया, बट हाँ जो अचीव करा है उसके लिए मैं खुद अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ. बिकॉज मेरा एक सपना था एक ऐसी राइड करना जो मैंने प्लान करी और मैंने अकम्प्लिश करी अपने को राइडर के साथ शुभांशु. तो जो हमारी शुरुआत हुई थोड़ी ढीली हुई थी, व्लॉग्स थोड़े कम आए 2021 में, बट जब आए तो मज़ा ही आ गया. तो अब आप छोटा सा वो ग्लिम्स देख के आओ हमारी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, एंड डेफिनेटली यू विल लाइक इट, यू विल लव इट. उसके बाद हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं और इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं. मतलब आप कहने वाले हो व्हाट इज़ क्या कह रहे हो लड़के. अच्छा भैया, जय बोलेगी. देखो भाई साहब को, मतलब मैं हूँ डॉन. लेकिन ये यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. मतलब हम इतने बड़े, यू नो, वी आर नॉट अ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग. बज गया. तो थैंक यू यादव जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. और पटेल जी आपको भी बहुत 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 ये देखो भैया, ये है हमारे बिहार का हाल. ओ ये भी हमारी भाई यार कलकत्ता की टीम थी. हेलमेट पहन के इनके बाल चपके हो गए हैं. इसे कहते हैं मौसम खराब होना. हवाई चल रही है, मतलब भाई. Happy birthday to you. Happy birthday. कुछ नाम से होने वाले भाई साहब. अगर कहते हैं ना भाई. Hashtag biking brother हो, तो वो भाई समझते हैं. कुछ भी कहो यार, पुराने राजाओं की चौड़ होती थी. इतना बड़ा किला दे दिया यार. होटल से निकलते ही तो आप बस चेक करें. मुझे उतारने दोगे? नहीं उतारने दोगे तो पंगा होएगा. कह रहे हो लड़के. थैंक यू भाई, थैंक यू सुजुकी फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो 2 रुपए लीटर पेट्रोल यार. वेलकम चेन्नई, सो दिस इज डे लॉन्ग. ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, क्या हाल कर दिया किसान. एंड यस वी डिड इट, वी आर इन दिल्ली. और हमने कर दिखाया. ओ
होप यू एंजॉय द ग्लिम्स ऑफ आवर राइड। तो यार इस राइड में मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ जाना, और सबसे बड़ी बात मैं जिस एक ग्रुप के साथ एसोसिएट हुआ था, यूथ अगेंस्ट रेप, मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और आपको सुबह एक की साउंड आ रही होगी तो आप साथ साथ वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे कालापन तो नहीं आ रहा है? नहीं, ओके यार। तो उनके साथ मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत यू नो चेन्नई के अंदर इतना प्यार मिलना, वाइजैग में इतना प्यार मिलना, मतलब ऑल ओवर द राइड, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से इतने टाइम के लिए दूर हूँ। मैं 24-25 दिन के लिए बाहर था। अगर मैं इस बारे में बोलूँ तो डेफिनेटली 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा था। 7000 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करी, आप लोगों का प्यार मिला, बट एक छोटी सी कंप्लेंट रह गई यार, मतलब सीरियसली एक छोटी सी कंप्लेंट रह गई। मतलब इतनी मेहनत करी, इतने सारे ब्लॉग्स निकाले, वो मैंने अभी इनकम्प्लीट कर रखे हैं, पूरे करे भी नहीं, बिकॉज व्यूज़ ही नहीं आए यार। मतलब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं व्यूज़ का भूखा हूँ, नो, बट अगर आप कोई बंदे मेहनत करता है, अपने फैमिली के लिए कुछ बनाता है और तब भी व्यूज़ ना आए, थोड़ा तो फील होता है, बट कोई बात नहीं, आई एम क्रिएटिंग मेमोरीज़ फॉर माई ओन। मज़ा आ रहा है, अपनी मेमोरीज़ इकट्ठा करता जा। और एक इंसिडेंट और हूँ आपके भाई के साथ कि हमको एक निंजा 1000 मिली थी एक कंपनी से फॉर अ टेस्ट ड्राइव, फॉर मेकिंग व्लॉग, और उसका क्रैश हुआ था, वो वीडियो थोड़ा सा वायरल भी हुआ। क्या कर दिया ये, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया ये? अरे मेरी बाइक नहीं थी, ये सारी चीजें थी जो थोड़ा सटपटा रही, मगर अब कहते हैं ना खुशी का टाइम आना है तो आएगा ही, और फाइनली वो टाइम आया। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है शिखर अरोड़ा, उसने अपनी ड्रीम थी एक सुपर बाइक लेने की, और खासकर काफ़ी टाइम से सर्चिंग फॉर द CBR द न्यू वाला वर्जन, थोड़ा ही अच्छा लगता है। तो वो बात ये है कि इसके असली ओनर है हमारे शिखर भाई, और जस्ट बिकॉज ऑफ पाजी, हमने दो बाइक की डिलीवरी ली थी, पहली थी हमारी CBR जो हमारे भाई ने ली, और दूसरी बाइक थी हमारी इंटरसेप्टर 650, मतलब वॉटीज लड़के वॉटीज। यहाँ है हमारी मोटरसाइकिल, कौन सी, मिटियोर, मिटियोर, और मिटियोर कुछ ऐसी दिखती है, मतलब भैया इंटरसेप्टर 650 एंड थैंक्स टू एवरीवन, मतलब बहुत का स्वाद आ गया। तो भैया बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, अब आपके भाई ने मोटरसाइकिल ली है तो उसके अंदर सामान तो लगाएगा, सामान बोले तो आफ्टर मार्केट, चाहे वो एग्जॉस्ट हो, चाहे वो आफ्टर मार्केट पार्ट्स हो, कुछ भी हो। प्रेजेंटिंग मोटो टॉप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट बोल्ट फॉर आर इंटरसेप्टर 650। XYZ और हमने उसको भी कवर किया, बिकॉज आपको पता है कि मैं यार कुछ भी लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो हर चीज़ आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, बिकॉज फॉर मी यू आर माई फैमिली, यू आर द पर्सन जिनकी वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ। अदरवाइज़ एक टाइम था कि जब विख्यात बाइकिंग कम्युनिटी में एक छोटा मोटा नाम हुआ करता था, जब हमारा ग्रुप हुआ करता था क्लब राइडर्स, बट अगर दोबारा नाम दिया है तो वो आप लोगों ने दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। टुडे आई एम स्टैंडिंग हेयर और मैं कैमरा फेस कर पा रहा हूँ, मुझे आज से 2 साल पुरानी बात याद आती है, जब मैं कैमरा को झिझकता था, आसपास लोग होते थे, जैसे अभी लोग भी इधर उधर घूम भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, तो मैं सोचता था कि अगर कैसे बोलूँगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू आपने इतना प्यार दिया, लाइक करा, सपोर्ट किया, मतलब बस धो ही डाला, तो आज आपकी वजह से मैं सामने खड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब हम आगे चलते हैं, सारी बातें यहाँ नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ जाओ। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार क्या सपने सच होते हैं, तो मैं उन सारे यंगस्टर्स को एक बहुत ही छोटा सा रिप्लाई दूंगा, यस ड्रीम्स कम ट्रू। अगर हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा पास्ट में जाएं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सबसे पहले ही अपनी जो सुपर बाइक में लूँगा वो R1 लूँगा, वो मैंने ली 2012 में, उसके बाद मैंने बेनेली रखा, फिर मैंने Z900 लिया। तो हाँ शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट लेटर ऑन एक टाइम आता है कि आप इतने स्टेबल हो जाते हो, और आप जब सोचते हो ना तो आप वो चीज़ करने की हिम्मत रखते हो, तो डेफिनेटली मेरा भी बड़ा, मेरा यही मानना है कि हाँ सपने सच होते हैं।
और अगर हम इस साल की बात करें कि भाई आज आपने क्या सपना सच किया, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने इंटरसेप्टर ली, उसके बाद उससे पहले हम राइड करके आए, वो भी सपना पूरा किया, इंटरसेप्टर ली वो भी सपना पूरा किया। फिर यार मेरे ना एक दोस्त है, उनके पास फोल्ड 2 हुआ करता था, फ्रंट कर रहा हूँ, ये फोल्ड 3 है, उनके पास फोल्ड 2 हुआ करता था, और मैंने एक बार देखा उनके फ़ोन को, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मतलब विख्यात भाई क्या फ़ोन है यार, मतलब हाथ में अलग ही पता लगता है, एक ये ना क्लासिक फील देता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कितने का लिया आपने, तो उन्होंने मुझे बोला कि 1,20,000 समथिंग का लिया। तब मैंने सोच लिया था कि यार ये फ़ोन लेंगे, और हमने फोल्ड 2 तो नहीं लिया, सैमसंग जेड फोल्ड 3। मतलब क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो, मतलब सीरियसली गाइस, पहले मैं जेड फोल्ड 2 का मेरा एक ड्रीम था कि यार जेड फोल्ड 2 लेना है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली इसलिए कि जेड फोल्ड 3 आया, अनफॉर्चुनेटली कि मैं उसे ले नहीं पाया, हम ले डाला फोल्ड 3। मतलब समझ रहे हो, फिर से दोबारा महंगी बातचीत। तो सपने सच होते हैं यार, वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो आपके ऊपर है, वो तो आप बता सकते हैं, बट हाँ मैंने हर चीज़ शेयर करी, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट कि हाँ मैं हर वो चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मैं डेफिनेटली शेयर करूँ। सो आई डिड। फिर दोबारा से हमने इतिहास दोहराया, और इतिहास दोहरा के हमने क्या किया, लास्ट ईयर 2020 में हमने ली थी MG हेक्टर, और इस साल ले डाली हमने महिंद्रा बोलेरो नियो N10। सो फाइनली द टाइम हैज़ कम भैया, डिलीवरी का टाइम आ गया, और दोबारा हिस्ट्री रिपीट हुई है, लास्ट ईयर थी हमारी MG हेक्टर प्लस, और इस बार है बोलेरो N10। मतलब वॉट इज, क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो, मतलब फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था कि लगातार 2 साल 2 गाड़ियाँ, और क्या पता 2022 में कुछ और आए, गॉड नोज, फिंगर क्रॉस्ड। तो ये सारा हुआ, साल 2021 अच्छा भी गया बुरा भी गया, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई बहुत बुरी चीज़ें भी हुई, बट अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो सी यार, अगर अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है, बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, चिल रहने का, लाइफ इंजॉय करने का, प्रॉब्लम से भागने का नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का। सो यही था इस व्लॉग के अंदर, मगर इस व्लॉग को मैं ऐसे एंड नहीं करेंगे, इसमें जाते जाते हल्का सा ये ना तड़का तो डाल के जाएंगे, बिकॉज व्लॉग ही आपके भाई का है। तो अभी जाइएगा मत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, बिना तड़के के ये तो व्लॉग एंड हो ही नहीं सकता, मतलब रिवाइंड कंप्लीट ही नहीं होगा। सो प्रोडक्शन म्यूजिक ये जो डांस आपने देखा, इसे बियर किया, थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली, टू योर लव्ड वंस, टू योर रिलेटिव्स, एवरीवन, मतलब जो भी आपके एक बहुत खास है, और हमारे दुश्मनों को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, हमेशा अच्छा सोचो, बिकॉज कर्मा अपने आप आंसर देता है। सो विद दैट सेड, आई एम एंडिंग दिस रिवाइंड 2021 with all of you, with my beautiful people, with my bombastic people, with my sophisticated friends and family, और वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, मगर वो बोलने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा कि भैया अब थोड़ा सा प्यार देना शुरू कर दो, व्यूज़ वगैरह ले आया करो, हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो भाई का चैनल भी, थोड़ा यू नो हम भी थोड़ा सा आगे चले जाएँ, तो आपका ही होगा और आप ही कहोगे हाँ विख्यात, विख्यात भाई को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारी जो कमो है उसका भी एक नया रैप आने वाला है, मतलब आग लगने वाली है, वो दिल्ली की छोड़ो, इंडिया की छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो वर्ल्ड की एक लौती ऐसी बाइक होगी जिस पर वो रैप होगा, मतलब इससे पहले भी आयरन मैन वाला था, वो आपने देखा ही है, तो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला है। एंड वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज वी आर गुड प्रोटेक्टिव गियर व्हाइल राइडिंग, एंड फैसन योर सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग टू, निकल जा मेरे भाई, हाँ निकल गया फाइनली। सो ये सारा ब्लॉग हमने शूट किया हमारे घर के पास वाले पार्क में, बिकॉज घर पे थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से ब्लॉग में, और आपके नया साल बहुत 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 बढ़िया जाए, और आप कहो क्या कह रहे हो लड़के, और हाँ हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू ऑल ऑफ यू, आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं,
और आपके सारे सपने पूरे। अब जा रहा हूँ, मैं भी तो पार्टी करूँगा, मतलब तुम पार्टी करो हम ना करें।